ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, लिख लिया। हाँ ढूंढते रहो उसे जब तक वो मिल ना जाए। जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो दरिया के पास से मिली है। कोई तो है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है और उसने काफी दफा तुम्हारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और तुम्हारे घर को भी आग लगाने की कोशिश की जब तुम अकेले थे वहाँ। यकीनन कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। सर खाना लग गया। ठीक है, रोने का क्या फायदा है? इस तरह रोने से तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। फिक्र ना करो, सब संभाल लूंगा मैं। चलो खाना खाते हैं। मैं जा रहा हूं। हाँ फिराद। नैरिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई है जो तुम्हारा पीछा कर रहा हो? क्यों क्यों फिराद, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? पता नहीं, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ कुछ ना कुछ बुरा होता है। जैसे ही तुम गई मेरे ऊपर अटैक कर दिया गया। पहले गाड़ी पर अटैक, उसके बाद आग लगाई गई, और अब ये। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, क्यों मुझे किसी पर शक होगा? किसी को जानती तक नहीं हूँ मैं। एक बाबर को जानती हूँ, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? ओहो, मैं कैसे नहीं सोच पाया उसके बारे में। अच्छा मैं निमटता हूँ उसे, बाद में बात करते हैं। उस्मान, लड़कों को जमा करके हट पे पहुंचो, कुछ काम है मुझे। तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो तुम? मेरा पीछा क्यों करते हो? मुझ पे अटैक क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने? हाँ, क्या है ये? हाँ, इतनी जल्दी भूल गए कि मैंने तुम्हें डंडे से मारा था? तुम क्या समझते हो कि मुझे मार के निकल जाओगे तुम और तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकूंगा मैं? चुप कर बाहर करते हो, शर्म नहीं आती? गलती किया हमला करके मुझ पे, घटिया इंसान। क्या हो रहा है यहां पर? ये सब क्या चल रहा है यहां पर? डैड, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने उसे डंडे से मारा है। यही है वो बेशर्म इंसान। सब बाहर चले जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? घटिया इंसान, यू सिक। हैंडसम हो, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बॉस के बेटे भी हो। हाँ बिल्कुल। फिर भी कह रहे हो तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझे मांग भी सकते हो। ऐसे ही आशा सिर्फ मेरी होगी। मैं आपके साथ यहीं पर रुक जाता हूँ सर। तुम कब से मर्द बन गए हो? हाँ, मुझसे बदला लेने के लिए ऐसी हरकतें करोगे? नॉनसेंस। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो लड़का उस लड़के से मिलता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। कौन सी लड़की? एरन। फराद ऐसा नहीं कर सकता, कोई और होगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बाबर। नैरिन ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम समझते हो। पढ़ाई के अलावा उसके दिमाग में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और तुम जानते हो कि हिकमत साहब ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली हुई है। ऐसा कहने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था। बाबर सुनो, तुम, मैं फराद को यहाँ से कहीं भी बाहर भेज दूंगा। मैं उसे ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री के लिए कहीं भी भेज सकता हूँ। मैं उसके लिए आज ही से तैयारी शुरू कर देता हूँ। लेकिन तुम उसे भूल कर भी गुस्सा मत दिलाना, और वैसे भी जो लड़की तुम्हें पसंद हो मुझे बताओ, मैं बात करूंगा। फराद को उसके हाल पे छोड़ दो, समझ गए तुम? ध्यान से मेरे बेटे, आ जा।
ये तुम्हारा घोड़ा तैयार। माँ मुझे भी इस घोड़े पे बैठना है। बाबर बेटा ये ले जाके कहीं रख दो, मैं उनसे बात करके आती हूँ। साहब जी बाबर आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा नीचे आ जाओ। ये मेरा घोड़ा है, मुझे भी इस घोड़े पे बैठना है। रुक जाओ बेटा, तुम्हें नहीं बैठने दूंगा। क्यों लड़ रहे हो? क्या इस तरह लड़ते हैं कोई? कितने बहादुर बच्चे हैं। ये घोड़ा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारे घोड़ा है। मैं भी चाहूँ तो तुम्हें मार सकता, लेकिन तुम छोटे हो मुझसे। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाथों से मारूंगा। बेटा ये तुम्हारा हाल किसने किया? किसने मारा तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, अंदर तो चलो माँ। हाँ, आजा, आजा। बोलो फरात। बाबर ना तो तुम्हें तंग करेगा और ना ही तुम्हारा पीछा करेगा आपका भी। नैरन मैं जा रहा हूँ यहाँ से और शायद कुछ अरसे के लिए मैं वापस ना सकूं। मेरे डैड बहुत परेशान है, इस हादसे ने उन पे बहुत बुरा असर किया है। वो मुझे शहर भेज रहे हैं, पहले मैं वेकेशन जाऊंगा और फिर स्कूल ज्वाइन कर लूंगा और मौका मिलते ही तुम्हें कॉल करूंगा। क्या मतलब मौका मिलते ही? तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तो तुम मुझे फोन भी नहीं करोगे? मैं तुम्हारा फोन क्लब में जाकर दे दूंगी, वहां से ले लेना। और वैसे भी मैं ये फोन खोना नहीं चाहती क्योंकि ये मेरा नहीं है। गुड नाइट। पागल लड़की है बिल्कुल। यहां दोबारा मत आना, उस लड़की से बिल्कुल ना मिलना, कभी नहीं। अम्मी मैंने पहले भी कहा था वो हमें मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे उसका सबक मिल चुका है। और अगर उसने दोबारा हमला किया तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगी। अम्मी क्या वाकई आपको लगता है कि डैड अपने चहेते बाबर को कुछ कह सकते हैं? वो वैसे ही गुस्से में रहते हैं, उन्हें मजीद गुस्सा मत दिलाएं। चले आए, मैं आपको आपकी दवाएं दे दूं। बेटा इस घर में तुम्हारा मत आना, मत आना, मुझे बहुत डर लगता है। ये कमीना तुम्हें छोड़ने जाएगा। हम दोनों साथ जा रहे हैं। हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमारी 10 साल की शादी खत्म हो चुकी है और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना। ओह ये मेरा फेवरेट फोन हुआ करता था, ये कहां से आया तुम्हारे पास? कितना क्यूट है फरहाद, ये मैं ले सकती हूँ? प्लीज 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 फरहाद प्लीज, मुझे बहुत पसंद है ये, मैं ले लूँ प्लीज? कुछ तो बोलो फरहाद। तुम ये रख सकती हो। थैंक यू। हाँ डैड आ गए। अच्छा मैं तुम्हारे वालिद से मिलने के बाद चली जाऊंगी।
ठीक है, तुम आराम से उनसे रात तक बातें कर सकते हो, परेशान मत होना। मेरे लिए बेहतर है कि मैं यहीं रुके रहना, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं और तुमने भी यही कहा था कि तुम अपने काम पे ध्यान दोगी और जमीनें ढूंढोगी। समझ गई, तुम परेशान मत हो, मैं फार्म देखने के बाद और तुम्हारे वालिद से मिलने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं हो। फरहाद, हेलो, कैसी हैं आप? आई एम इमराना, सीनियर मैनेजर एट एसएससी शिपिंग इस्तांबुल। खुश हुई आपसे मिलकर। इमराना मेरी दोस्त है इस्तांबुल से, डायर ये जैतून का बिजनेस करना चाहती है और जमीनें ढूंढ रही है उसके लिए, इसीलिए हम दोनों ने सोचा साथ ही आ जाए। अच्छा, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है? मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ नहीं, शुक्रिया। कल हमारे साथ लंच कर लें अगर मसरूफियत ना हो आपको। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे लगता है कल तक मैं इस्तांबुल में होंगी। थैंक यू। अच्छा, फिर मिलेंगे। बेटा, अगर तुम संजीदा नहीं थे तो इस लड़की से क्यों मिलवाया मुझे? तुम जानते नहीं, लड़कियां जल्दी संजीदा हो जाती हैं। मैं उसे नहीं लाना चाहता था, वो खुद ही आ गई। डैड, तफ्तीश में कोई नई चीज सामने आई? हम तफ्तीश खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते, ये सब बाबर ने ही किया, मैं जानता हूँ। ये तुमने क्या किया, तुम इस केस में कैसे फंस गए? अब पता नहीं क्या होगा। बाबा वो बहुत अरसे तक यहाँ नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन वो इस्तांबुल के अंडरवर्ल्ड का डॉन बन के सामने आ जाएगा। हर चीज ठीक थी जब तक के लोन साइन नहीं हुए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लीगल थे, मेरे स्टाफ ने खुद रिसर्च भी की थी एक महीना, बट वी वर ट्रैप्ड। उसने बहुत स्मार्टली पे किया डैड। तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिल जाएगा? जाहिर है मैं लूंगा एक एक पैसा, वरना आप तो जानते हैं बैंक मुझ पे केस कर सकता है। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। बाबर मेरी बहुत इज्जत करता है, हमारा और उसका बिजनेस एक ही है, उसे कोई गलत फहमी है तो मैं उससे बात कर लूंगा। कौन सा बिजनेस बाबा? तुम्हारे जाने के बाद हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया और तब से हम एक दूसरे के साथ हैं। कौन सा बिजनेस, कैसा काम? वो जो लड़की अभी आई थी, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अभी 4-5 महीने हुए, आप क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरी जिंदगी को मुझसे बेहतर जानते हैं। तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो, क्यों? मगर वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई, उससे शादी कर लो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। देखते हैं। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि वो शायद तुमसे दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने किसी से कोई वादे नहीं किए हैं बाबा, बाहर की इन्वेस्टमेंट जो भी होंगे उसके बारे में आपको खबर देता रहूंगा। ठीक है, चलो आओ फिर डाइनिंग रूम में चलते हैं। मुझे पता है कि तुमने फ्राई मुर्गी, कोरमा और तंदूरी नान वहाँ मिस किया होगा। हाँ, आप सोच भी नहीं सकते। आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? इतना तैयार वैयार हो के? हम नमाज जनाजा में जा रहे हैं, कजान साहब की बीवी का इंतकाल हो गया है, उन्होंने मस्जिद में ऐलान करवाया है तो सब जा सकते हैं, और खाना भी मिलेगा। नमाज जनाजा उनके फार्म पे है। उनका फार्म तो इतनी दूर है, तुम लोग कैसे जाओगे? कैसे जानती हो तुम उनके फार्म हाउस के बारे में? हम बस में उनके यहाँ जाएंगे, सीमा को उनका फार्म हाउस देखने का बहुत दिल कर रहा है। अल्लाह उनकी मगफरत करे। मैरिन, क्या तुम इस साल स्कूल आओगी? ये तो कल तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आती हूँ या नहीं। तुम्हारे बाबा नहीं चाहते होंगे कि तुम अब स्कूल जाओ। चलो, सीमा इन लोगों से बात करने में अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? ये कैसे हुआ बाबा? दादी तो बिल्कुल ठीक थी। वो सोते में इंतकाल कर गई बेटा, सो रही थी तो किसी को पता ही नहीं चला। आइए आइए, यहाँ इस तरफ से। Thank you.
माफी चाहती हूँ, मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। आप ये वाला इस्तेमाल कर सकती हैं। जगह तो बहुत बोरिंग है, मुझे अच्छी जगह दिखा सकते हैं आप? आप कुएं के पास पहुंचे, मैं थोड़ी देर में आता हूं वहां। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रही थी? खत्म हो गया सब कुछ, अब मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकूंगी। अब तुम बंद करो ये तमाशा। मैं तुम दोनों के इन बॉयफ्रेंड के ड्रामेबाजियों से तंग आ चुकी हूँ, कुछ नहीं सुनना चाहती, बस कर दो अब।